नमस्कार, मैं गीता चौहान अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। न खोया, न दूध, न पनीर, और फिर भी बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनेगी और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। देखिए कितनी सॉफ्ट और क्रीमी। तो चलिए अब इस मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चाशनी तैयार कर लेंगे। आधा कप चीनी ले ली है और आधे कप से कम पानी, और गैस को ऑन कर देंगे और इस तरीके से चीनी को पिघल जाएगी। और इसमें थोड़ी सी कुटी हुई इलायची डाल देंगे जिससे फ्लेवर अच्छा आएगा। और देखिए बबल्स आने लगे हैं। दो दो से 3 मिनट में चाशनी तैयार हो जाएगी। चाशनी तैयार हो गई है। अब क्या करेंगे, एक चम्मच से इस चाशनी को चलाते हुए और हल्के से दोनों उंगलियों के बीच टच करेंगे। इस तरीके से एक तार की चाशनी बन गई है। और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। एक कप मिल्क पाउडर डालेंगे। आप किसी भी कंपनी का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और इसको इस तरीके से चलाते हुए मिलाएंगे। सारा जो मिल्क पाउडर है ना, चारों तरफ से समेटते हुए इसको मिलाएंगे। और ये देखिए एक खोए की तरह हो गया, जैसे मावा होता है ना, उसी तरीके से इस तरीके से मिला देंगे। देखिए अब ये खोए की तरह हो गया। आप इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। पूरे तरीके से ठंडा नहीं करेंगे जिससे कि ये फिर चिकना नहीं होगा। तो इसको थोड़ी देर रख देते हैं। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा ड्राई हो गया है। अब इसको हल्का गुनगुना है ना, तभी मसल मसल कर इसको चिकना कर लेंगे इस तरीके से, जैसे पूरी के आटे को करते हैं ना इस तरीके से। और इस डो को दो पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। इस तरीके से दो पोर्शन में कर लिया ना। एक पोर्शन में क्या ना, थोड़ा सा फूड कलर केसरिया रंग मिलाएंगे और इसको भी मल के अच्छे से मलेंगे और मसल मसल कर चिकना रोल बना लेंगे इसका, जो जिसमें कलर डाला है ना उस पोर्शन का। इस तरीके से रोल बना लेंगे चिकना करके, और इसको हम कट कर लेंगे दो पोर्शन में इस तरीके से। तो कट कर लिया है। और दूसरा जो डो का हिस्सा था उसके भी इस तरीके से रोल बनाकर बराबर हिस्से करके कट कर लिया है। तो इस तरीके से हमने चारों रोल तैयार कर लिए हैं, दो केसरी रंग के और दो वाइट। अब इसको इस तरीके से रखेंगे, एक अच्छे से पैटर्न के तरीके से, जिससे बढ़िया सा डिज़ाइन आए। एक वाइट रखा, उसके ऊपर केसरिया रखा और उसको अच्छे से प्रेस कर देंगे दोनों को। उधर केसरिया रखा, फिर उसके ऊपर वाइट रखा और उनको अच्छे से प्रेस कर देंगे चारों को इस तरीके से। हाथ से लेके थोड़ा सा टाइट से प्रेस करेंगे ना, जिससे कि चारों आपस में अच्छे से वाइंड हो जाएंगे ना, तो एक अच्छा सा पैटर्न आएगा इस तरीके से। अब क्या है ना कि अगर आपको पीसेस बड़े और मोटे चाहिए है ना, तो आप इसी तरीके से काट लें। लेकिन क्योंकि मुझे थोड़े छोटे पीस चाहिए तो मैंने इस तरीके से पतला रोल बना लिया है। अब इसको 5 मिनट रख देंगे जिससे कि एकदम ठंडा हो जाएगा। 5 मिनट रखने के बाद जब ठंडा हो जाएगा ना, तब हम इसके पीसेस कट कर देंगे। इस तरीके से पीसेस कट कर लिए ना। अगर आपको बड़े पीसेस चाहिए तो आप उस हिसाब से काटिए। थिक मैंने इस तरीके के पीसेस को कट कर लिया है। इस तरीके से सभी पीसेस को काट लिया है। देखिए कितना अच्छा सा डिज़ाइन आ गया है। तोड़ कर दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट और क्रीमी। तो है ना कितना आसान बनाना, झटपट से बन जाने वाली रेसिपी। चाहे दिवाली हो या रक्षाबंधन या कोई भी त्यौहार, इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर बनाइएगा और अपनी फीडबैक कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।